हेलो दोस्तों, अगर आप तैयारी करते हैं एचटेट की, टीजीटी या पीजीटी की, या ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी की, या डी ट्रिपल्स भी टीजीटी पीजीटी की, तो मैंने आपके लिए स्टार्ट किया था 30 डेज 30 चैप्टर्स क्रैश कोर्स, जिसके अंदर मैं ऑलरेडी 16 चैप्टर आपको कवर करा चुका हूँ टिल डेट। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स है जो यूट्यूब पे मैं करा रहा हूँ। टीजी और टीजीटी और पीजीटी दोनों में जो बेनिफिशियल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे लास्ट 5 ईयर्स एसटेट टीजीटी मैथ्स के एनालिसिस। मैं आपको करा रहा हूँ टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए प्रीवियस पेपर्स के एनालिसिस मैं आपको कराऊंगा, जिसमें और साथ में आपके प्रीवियस पेपर्स का सॉल्यूशन भी कराऊंगा। तो आपकी तैयारी अगर 10 है तो 20 हो जाएगी, आप 50% पे हो तो 100% हो जाएगा, जब अगर आप प्रीवियस पेपर्स को एक अच्छी स्पीड से, एक अच्छी तरीके से अगर आप सोल्व करना सीख लेते हैं, तो आपको सिलेक्शन की आपकी गारंटी मैं लेता हूँ। बिल्कुल आपका जरूर आपका सिलेक्शन होगा। आपका एचटेट तो बहुत, एचटेट ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, ये बात है, बट कंप्लीटली अच्छे से आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। प्रीवियस पेपर की हर सिलेक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है प्रीवियस पेपर्स का एनालिसिस, जो आज मैं लेके आया हूँ टीजीटी मैथ का, फिर पीजीटी मैथ का भी आप चैनल पर आएगा। तो आप अगर तैयारी करते हैं तो अच्छे से, अभी टाइम है लास्ट के 15 दिन आपकी अपनी तैयारी को दुगुना करने के लिए। आप डे वन से आप चैप्टर देख सकते हैं जो आपके सिलेबस में, उन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रीवियस पेपर को कीजिए। और एक और अनाउंसमेंट मैं आपको कर दूं आप सबके लिए, आपके एचटेट से पहले मैं आपके लिए 20 से 25 नंबर का एक मैराथन क्लास लेके आऊंगा, जो 25 नंबर आपके डिसाइड कर देगी आपके एग्जाम में। बस वो 25 नंबर की वीडियो करना है, 2-4 घंटे की वो वीडियो रहेगी, साथ में 60 नंबर की अब मैं डेली प्रैक्टिस कराऊंगा, 80 और 20 नंबर का मैथ्स का और रीजनिंग का कॉमन पेपर, 100 नंबर आपके, कम से कम 100 से 105 नंबर की तैयारी आपकी मेरे चैनल पर होगी। तो आप जो भी आपके नॉन तैयारी करते हैं ये, तो उनसे भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं लास्ट 5 ईयर्स एचटेट टीजीटी मैथ्स एनालिसिस। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आए, कितने कितने क्वेश्चन आए, किस किस तरह के क्वेश्चन आए, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे फोकस कर पाते हैं, किसी का कोई चैप्टर अच्छा होता है, किसी का कोई चैप्टर अच्छा होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी रहते हुए टाइम, बचे हुए टाइम में उन चैप्टर्स पे आप फोकस कर पाओ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देख के, उसके लिए ये सुपर बेनिफिशियल होने वाला है। देखिए, सबसे पहले चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो या नोट डाउन करना चाहो तो ले सकते हो, पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीटली, ठीक है। कि ये जैसे एल्जेब्रा है, एल्जेब्रा के अंदर आपका क्वेश्चन आता है, जैसे एक्स की वैल्यू आपसे पूछ लेगा, ए बी सी की कोई वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। तो सिंपल सर्ट्स एंड इंडिसेस वगैरह के से क्वेश्चन आते हैं एल्जेब्रा बेस पे, जो ये ब्रैकेट ये स्लैश से पहले है, ओब्लिक से पहले जो नंबर लिखा है वो 2022 का नंबर है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, और जो ओब्लिक के बाद जो लिखा हुआ है ये इससे पहले 18, 19, 20, 21, 22 में लगभग एवरेज ये रही थी, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कौन से साल में लगभग कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जैसे नंबर एंड सिस्टम में है, पहले जो एवरेज थी वो 5 क्वेश्चंस की थी, पिछली बार टोटल 9 से 10 क्वेश्चंस आपको नंबर सिस्टम से देखने को मिले, क्योंकि नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर 6 से 7 सब चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं, वो एलसीएम एचसीएफ है, कुछ रेशियोज के क्वेश्चन होते हैं, कुछ वैल्यू निकालने के क्वेश्चन होते हैं, कुछ यूनिट डिजिट के होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन होता है, तो रिमाइंडर का क्वेश्चन होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन सारे नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर मेंसुरेशन ने एक अपना लेवल बना रखा है, पिछले 5 सालों में 7 से 8 क्वेश्चन मेंसुरेशन से आते हैं, जो जिसके अंदर 90% एरिया बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, आपसे ट्रायंगल का एरिया या आपसे जो 2D स्ट्रक्चर्स हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस का एरिया, या फिर आपसे जो 3D स्ट्रक्चर हैं, सिलेंडर है, स्फीयर, इनके क्वेश्चन भी आपसे एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंसुरेशन में। फिर बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, पहले जो क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक या दो आता था, रिसेंटली वो बढ़ गए हैं 2022 में, वो कुछ 4 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए हैं, जिसमें रूट कैसे निकालते हैं उसके बेस के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा है, रियल रूट्स वगैरह है या नो रूट्स है, मैनी रूट्स है, इस तरह के क्वेश्चन आपके रूट्स फैक्टर बेस पे जो क्वेश्चन है वो ज्यादा आए हैं,
और डिटेल में जब मैं आपका पेपर कराऊंगा तो आप देख ही लोगे किस किस टाइप के क्वेश्चंस किस किस लेवल से आए हैं, और तरीका भी सीख लोगे कि कौन सा बेस्ट तरीका है एग्जाम में उसको सोल्व करने का। अगर स्टेटमेंट समझ नहीं आती तो ऑप्शन से कैसे सोल्व करेंगे, वो सारी चीजें मैं उसके अंदर आपको सिखा रहा हूँगा। फिर ज्योमेट्री से क्वेश्चन आता है, देखिए ज्योमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है कवर करने के लिए, बट जो आपको स्पेसिफिक इस वीडियो देखने का प्रॉफिट हो उसके लिए मैंने एग्जैक्टली लिखा है एंगल बेस पे क्वेश्चंस और ट्रायंगल बेस पे क्वेश्चंस ज्यादा आए हैं, मतलब एंगल निकालना या ट्रायंगल के बेस पे क्वेश्चंस है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, 2 से 3 क्वेश्चंस है। देखिए डाइस वगैरह का क्वेश्चन नहीं मिलता है, एक्सपेक्टेशन जो मैंने प्रोबेबिलिटी करा रखी है, देखो इनमें से बहुत सारे चैप्टर मैंने आपको करा भी रखे हैं ऑलरेडी, और ये पाइपलाइन में और भी हैं आपके चैप्टर्स, आपके एग्जाम से पहले कुछ और चैप्टर भी हैं जो मैं आपको कराने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो से पहले ज्यादा क्वेश्चन आते थे, अब सिर्फ 2 क्वेश्चन देखने को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिल रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने करा रखा है, प्रोबेबिलिटी भी मैंने करा रखा है, ठीक है। देखिए पॉलीगन से 3 क्वेश्चन आए, पहले 1 या 2 आता था, अब की बार 3 क्वेश्चन आए हैं पॉलीगन की, पॉलीगन भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स से पहले 3 क्वेश्चन आ रहे थे, अब 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब स्टेटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने चैप्टर करा रखा है, अगर आपने देखा हो तो वहां से, ठीक है। फिर लीनियर इक्वेशन से 1 या 2 क्वेश्चन आता है, सिर्फ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आपसे पूछा जाता है, एक सॉल्यूशन बेस पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मैंने क्वेश्चंस लिए थे कि नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, वो वाला जरूर देखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर CI एंड SI, इसके बेस पे 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन देखने को मिला है CI SI में वो है डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज बेस पे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सिंपल होता है, CP MRP के रिलेशन के ऊपर बेस क्वेश्चन होता है, या फिर सिंपल आपसे CP और SP के ऊपर पूछ लेता है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होते, बिल्कुल बेसिक होते हैं। और बहुत सारे चैप्टर इनके को जो 20 नंबर का सेक्शन है कॉमन पेपर के अंदर, इनमें से कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस वहां पर भी आपको देखने को मिलते हैं, तो जो मैंने पर उनका मैं पिछले 500 सालों का सॉल्यूशन करा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखिएगा अभी, ठीक है। तो 2 वीडियो हैं, 1 में 2 पेपर कराए, 1 में 3 पेपर, 500 पेपर मैंने, 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराए हैं, वो भी आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएंगे। रेशो से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, जैसे मिक्सचर वगैरह का रेशियो निकालना होता है उस पर 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जरूर आता है आपके एग्जाम में, और वो हाइट एंड डिस्टेंस भी मैंने करा रखा है, वो आप देख सकते हो। ट्रिगो बेस पे एंगल बेस पे क्वेश्चन रहता है, एंगल की प्रॉपर्टी लगती है या एंगल की वैल्यू पुट होती है, बस यही ट्रिगो से क्वेश्चन रहता है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होता। एवरेज से 2 पहले 1 क्वेश्चन आ रहा था, अभी एवरेज से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 ही तरह के एवरेज से क्वेश्चन आते हैं, या तो किसी एक्स्ट्रा बंदे को ऐड कर लिया जाता है उससे एवरेज घट जाती है बढ़ जाती है, किसी भी क्लास में या किसी प्लेयर की एवरेज दी जाती है, वो भी क्वेश्चन आपको जब मैं एनालिसिस कराऊंगा, पेपर्स पूरे कराऊंगा तो आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो प्रीवियस पेपर है ना उनको मत छोड़ना, वो 5 पेपर आपकी जितने अभी तक मेहनत करी है वो, और 5 पेपर प्रीवियस के, वो दोनों इक्वल रहेंगे, उनका 5 पेपर्स का रिजल्ट आपने जितना किया उससे ज्यादा निकल के आएगा, इस बात की गारंटी है। टाइम वर्क एंड वेजेज, इससे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होते, मैक्सिमम MDH फॉर्मूले के ऊपर बेस होते हैं। सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, मैं कई बार AP से ज्यादातर क्वेश्चन बनता है सीरीज से, एक आधा GP से भी क्वेश्चन बन जाता है। पेडागोजी से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, किसने क्या स्टेटमेंट दी थी, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल बेसिक आपसे पूछा जाता है इसका, 2 ही तरह के, या तो एवरेज स्पीड पूछता है या फिर आपसे ट्रेन की लेंथ पूछता है, 2-3 तरह के क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो ये है आपका कंप्लीट एनालिसिस, होप अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको वैल्यू फॉर योर टाइम आपको लगा होगा, मैंने आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना कराया हो। इसके अकॉर्डिंग जो आपका चैप्टर अच्छा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, कुछ चैप्टर ऐसे हैं
जो आपकी जो डिमांड आएगी उसके अकॉर्डिंग सर ये चैप्टर करा दीजिए। जितना टाइम बचा है उसके अंदर कोशिश करूंगा मैं आपका रिवीजन जरूर, प्रैक्टिस ज्यादा ना करा पाऊं पर कंसेप्ट्स का ट्रिक्स का रिवीजन जरूर करा पाऊं। तो ये आपके सामने है, आप मुझे बताना, कोई पोल क्रिएट कर दूंगा या कमेंट्स जिस चैप्टर के ज्यादा होंगे उस चैप्टर की भी वीडियोज मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों कल से मंडे है और आपका पहला टीजीटी का पेपर का सॉल्यूशन लाइव करूंगा, कल 8 या 8:30 बजे लाइव हो जाएगा। तो उस पे सभी लाइव आना, क्योंकि उसी लाइव में हम डिस्कस कर पाते हैं। अगर कुछ आपको समझ नहीं आता है तो वो चीजें, कुछ दोस्त बाद में कमेंट करते हैं तो उसमें फिर ये नहीं पता चलता है कि वो कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो पता नहीं चलता है। तो लाइव आके क्वेश्चन पूछा कीजिए मेरे से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।